बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर रांची से है। अभिषेक प्रसाद और पिंटू के आवास पर ताला तोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार है अभिषेक प्रसाद और पिंटू। पहले सुबह से लगातार ईडी की टीम अभिषेक प्रसाद के आवास पर छापेमारी कर रही है। ताला तोड़ने वालों को बुलाया गया है अभिषेक प्रसाद पिंटू के आवास पर। अभिषेक प्रसाद पिंटू के आवास पर ईडी को नहीं मिली किसी भी अलमारी की चाबी। बड़ी खबर, अभिषेक प्रसाद पिंटू के आवास पर ताला तोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार है अभिषेक प्रसाद पिंटू। ताला तोड़ने वाले को बुलाया गया। आपको बताते चले कि पहले सुबह से ही अभिषेक प्रसाद के आवास पर ईडी की छापेमारी चल रही है। अभिषेक प्रसाद पिंटू के आवास पर ईडी को नहीं मिली किसी भी अलमारी की चाबी। आपको बताते चले, पहले सुबह से ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कई करीबियों के आवास पर ठिकानों पर लगातार ताबड़तोड़ ईडी की छापेमारी चल रही है। इस छापेमारी के दौरान जब ईडी की टीम को किसी भी प्रकार की कोई चाबी नहीं मिली तो ताला तोड़ने वालों को ईडी की टीम ने बुलाया और अभिषेक प्रसाद पिंटू के आवास पर ताला तोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ताला तोड़ने वाले को ईडी की टीम ने बुलाया। अभिषेक प्रसाद पिंटू के आवास पर ईडी को किसी भी अलमारी की चाबी नहीं मिली है, जिसके बाद ईडी की टीम एक्शन में आई और ताला तोड़ने वाले को बुलाया गया और इसके बाद लगातार ताला तोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और इसी खबर की पूरी अपडेट के साथ हमारे सहयोगी धनंजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धनंजय, अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू के आवास पर ताला तोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई। हम अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दें, पहले सुबह से ही अभिषेक प्रसाद के आवास पर ठिकानों पर ईडी की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। आखिरकार ईडी की टीम को ताला तोड़ने की नौबत क्यों आ गई? झारखंड से कई राज्यों में दर्जनों से ज्यादा छापेमारी चल रही है और हम अभी अभिषेक मिस्त्री जो बुलाया गया है जो ताला अलमारी का नहीं खुल रहा था, चाबी मांगा गया तो चाबी बताया गया कि चाबी अवेलेबल नहीं है, मौजूद नहीं है। तो ईडी ने एक मिस्त्री को बुलाया है जो ताला तोड़ने के लिए काम कर रहा है और कहा जा रहा है कि ताला तोड़ दिया गया है और अलमारी का ताला खोल दिया गया है। अलमारी में जो दस्तावेज है उनकी जांच करना चाह रहे थे। जो अलमारी में अहम दस्तावेज होते हैं वो तमाम जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनकी जानकारी लेने के लिए मिस्त्री को बुलाया था ताकि उस अलमारी को तोड़ा जाए और अंदर जाके तमाम चीजों को जानकारी इकट्ठा की जाए। बहरहाल अभी जो जानकारी अंदर से मिल रही है और अभी भी जो ईडी के अधिकारी अंदर में मौजूद हैं और जांच कर रहे हैं, जांच पड़ताल की जा रही है। तमाम चीजें जो क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है, जो दस्तावेज उनको इनपुट्स मिले थे, पहले 1000 करोड़ के जो घोटाला हुआ था चारखंड में, पहले जो इनके सहयोगी जो मुख्यमंत्री पंकज मिश्रा जो प्रतिनिधि है उनके घर पे भी छापामारी जो हुई थी और जो दाऊद यादव है, तमाम लोगों से जो खनन मामले जुड़े हुए थे दस्तावेज मिले थे, उन दस्तावेज को वेरीफाई करने के लिए यहीं पे पहुंचे हैं और ये तमाम चीजों को अभी भी छानबीन की जा रही है। हम गणेश कहेंगे कि जो घर की तस्वीरें मौजूद है, लेकिन झारखंड, बंगाल और राजस्थान तीनों जगह पे खनन मामले को लेकर छापेमारी चल रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात तब हो जाती है जब मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार, एक तरह से कहा जाए मुख्यमंत्री के एक दो गिद रहने वाला राइट हैंड जो पिंटू है, कारीगर को बुलाया गया, कारीगर के द्वारा ताला को तोड़ दिया गया, लेकिन वो बाहर अभी तक निकले नहीं है। अब बहरहाल हो सकता है कई अलमारी होंगे, कई घरों में चाबियां नहीं होंगी, तो उन तमाम चीजों को खोलने की प्रक्रिया की जा रही है, लेकिन जिस अलमारी को बात की जा रही थी अलमारी को पूरी तरह से तोड़ दिया गया और बड़ा वो मिल पा
जितरंजय आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम आपसे पल पल की अपडेट लेते रहेंगे। बता दें कि ईडी की कार्रवाई झारखंड में तेज हो गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कई करीबियों के ठिकानों पर अहले सुबह से ईडी की टीम लगातार छापेमारी कर रही है और